हाय गाइस, आप सभी को पता है हम सब रग्बी फैंस हैं, मतलब राघव पल्लवी के फैंस हैं और हर कोई चाहते थे उनकी जो पुराने क्लिप्स, आप सभी को पता है मेहंदी रस्ने वाले की क्लिप्स हो या बिहाइंड द सीन का क्लिप्स हो, हर कोई रिपोस्ट कर रहे हैं कहाँ पे, टेलीग्राम में हो गए, ट्विटर हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, यूट्यूब में हो गए, बहुत सारे ऑडियंस कर रहे हैं। भाई क्या अगर मान लो मैं किसी एक्टर का इंटरव्यू कोई लिया है, मान लो मैं सुनील मैम की इंटरव्यू ली, क्या मैं उस इंटरव्यू को हम अपने चैनल में डाल सकते हैं या अपनी जगह अपलोड कर सकते हैं? तो मैं बता दूं, अपलोड कर सकते हो, पहले जिसका इंटरव्यू है उससे राइट लॉग मांग लो, अगर वो बोले ठीक है तभी आप अपना इंस्टाग्राम या ट्विटर या कहीं डाल रहे हो डालो तब ठीक है। सच बताओ तो मैं खुद, मेरे कुछ दोस्त हैं जो खुद सही के तरह शिवांगी का इंटरव्यू रिसेंटली लिए, जब मैं उनसे पूछा उन्होंने कहा नहीं भाई मत डालो क्योंकि मैं इतनी मेहनत लगा है और मैं ही डालूंगा। यह है, अगर वो बोल देता है कि हाँ डाल सकते हो तो मैं डाल सकता हूँ, लेकिन उसने मना किया, मैंने नहीं डाला। यही एक चीजें हैं जो रग्बी फैंस, यह मान के चलो कि जिसका इंटरव्यू लिया, जिसने लिया है उससे एक बार पूछ लो ठीक है, तभी, या नहीं तो यह इलीगल हो जाएगी और मुझे लगता है कोई ऐसी गलत काम ना करे ठीक है। अगर मेरी बात समझ गए तो वीडियो को लाइक करना, मिलता हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को पता है स्टार प्लस में एक नया शो आने की बात हो रही थी, कभी कभी इंतफाक से रिलीज डेट बहुत दिनों से बहुत सारे ऑडियंस पूछ रहे हैं भाई कब आएगा। एज पर द सोर्सेस यह सुनने में आ रहा है कि इस महीने मतलब दिसंबर के महीने की लास्ट वीक तक इस शो को लॉन्च कर दिया जाएगा। जी हाँ, यह मंडे तो नहीं होगा, आने वाले 3 वीक में इस शो को आप ऑन ईयर देखने वाले हो और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस ये देखना है कि ये कौन सा शो किसके जगह रिप्लेस किया जा रहा है। जी हाँ, कोई शो ऑफ एयर हो रही है क्या, कोई शो टाइम चेंज कर रहे हैं, यह देखने के लिए एक्साइटेड हो जाएंगे। आपका क्या राय है दोस्त, कमेंट्स में कमेंट करें और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को जोर शेयर करना। अल्लू अर्जुन के जितने फैंस हैं उनके लिए सुपर न्यूज है। जी हाँ, आप सभी को पता है कि अल्लू अर्जुन की हिंदी मूवी हो या साउथ मूवी, उनकी नई मूवी आ रही है पुष्पा। बताया जा रहा है कि इस महीने की 17 तारीख को, 17 दिसंबर को ये लॉन्च किया जाएगा हिंदी मार्केट में, मतलब इस मूवी को तमिल में भी रिलीज किया जाएगा लेकिन हिंदी इंडस्ट्री में कि 17 दिसंबर को मूवी लॉन्च कर दिया जाएगा, जो फैंस के लिए बहुत एक्साइटेड हो गए और मैं तो बहुत खुश हुई है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगा क्योंकि मैं, अब सभी को पता है अगर मेरे पुराने ऑडियंस है तो मैं अल्लू अर्जुन का बहुत बड़ा फैंस रहा हूं और रहना भी चाहिए क्योंकि बंदा है सुपर, उनकी काम है सुपर, सैल्यूट है ऐसे एक्टर की। आप एक्साइटेड हो कि नहीं, आप देखोगे कि नहीं, प्रोडक्ट्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। गाइस, मोहित कुमार जो आप सबके फेवरेट्स हो, एक दूजे के वास्ते 2 में लीड एक्टर में काम कर चुके हैं और इसके साथ साथ और एक एक्ट्रेस जो लगभग बहुत सारे शोज में काम कर चुके हैं, लेकिन प्रतिभा नाम की जो एक्ट्रेस है जो कुर्बान है में काम किए थे, अब उनको मतलब बोल सकते हैं प्रतिभा और मोहित कुमार को आने वाले कलर्स शो में नए प्रोजेक्ट्स की बात किया जा रहा है और उस शो में उनको लीड में आप देख सकते हो, मतलब प्रतिभा और मोहित की जोड़ी बहुत ही जल्द आप देखने वाले हो कलर्स टीवी में, जो फैंस के लिए मजेदार भी होने वाला है, ट्विस्टिंग भी है क्योंकि मोहित कुमार की अगर मैं बात करूं एक दूसरे के वास्ते में, हम उसके बाद ये नए रोल होगा और नया ट्राइट होगा, नया ट्राइट का मतलब नया स्टाइल होगा जो मजेदार भी होगा, देखना ना भूले। अगर आप मोहित के फैंस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना आप एक्साइटेड हो कि नहीं। गाइस, आपके फेवरेट एक्टर सही केतन राव और शिवांगी को हम सब प्यार तो करते हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है, फैंस पॉजिटिव भी रिस्पॉन्स देते हैं और नेगेटिव रिस्पॉन्स भी देते हैं और सबसे बड़ी रीजन है कुछ सीन को लेके। अब सभी को पता है कि मेहंदी रचने वाली शो 27 नवंबर 2021 को ऑफ एयर कर दिया गया, फैंस बहुत इमोशनल हो गए थे, मैं खुद इमोशनल हो गए थे, इस शो को बहुत मिस कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त भी ऐसे कुछ फैंस होते हैं जो गुस्सा दिखाते हैं। देखो सिंपल सी बात है, एक ऐसी चीज है ना, अगर मानो एक बंदा आपको हमेशा सपोर्ट करता है ठीक है और अचानक उसका एक रिजल्ट खराब आ गया उसी की वजह से, तो उसके ऊपर गुस्सा करेगा कि तू गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। सेम यहाँ पे जो सही कहते हैं शिवांगी को प्यार करते थे,
इस शो को बहुत प्यार करते थे। जब यह न्यूज सुनने आया ये शो ऑफ हो गया तो कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहा था कि भाई यह गलत हो गया, सही कहते शिवांगी गलत किया। अरे भैया सही कहते ना शिवांगी, कहाँ गलती है। अगर सिंपल सी बात बनाओ, एक टीचर है वो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमेशा रिजल्ट अच्छा आ रहा है, और अचानक आप 2 साल बाद 3 साल बाद कभी एक बार आपका रिजल्ट खराब हो गया, आप बोलोगे टीचर गलत दिखा रही है, आप पढ़ाई गलत की हो। सेम यहाँ पे सही कहते शिवांगी, अपना काम तो किए, शो की टीआरपी गिरा किसके कारण, हम सब के कारण, मैं मानता हूँ हम सब के कारण, क्योंकि हम सब नहीं इंस्टाग्राम में टेलीग्राम में वीडियो देख देख के शो की सत्यानाश किए हैं। मैं गारंटी दे रहा 80% ऐसे लोग हैं जो टेलीग्राम में शो देखते थे और वो रिपोर्ट नहीं करते थे, अगर रिपोर्ट करते हैं तो टेलीग्राम उसी टाइम उसी घंटे में हटा देते थे, लेकिन लोग नहीं करते थे। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी और मानना होगा। तो यहां सही कहता हूं शिवांगी की गलती नहीं है, गलती हमारी है, ठीक है। तो हम सब इस तरह की जो माइंडसेट है प्लीज हटाओ यार, अपनी गलती मानना शुरू करो। मैं मानता हूं इसलिए मैं क्लियर बात करता हूं, ओके। अगर मेरी बात आपको समझ में आ गया तो वीडियो को फैला दो, और जो ये नेगेटिव माइंड आ रही है, माइंडसेट आ रही है, उसको चेंज कर लो। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।